अपहरण और धर्म परिवर्तन पर मझगवां में तनाव। मुस्लिम युवक के पास मिली चार दिन से लापता लड़की। संदेह की कबाड़ दुकान में आग लगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सतना के मझगवां से एक नाबालिग लड़की के लापता होने और चार दिन बाद संदेह युवक के घर से ही उसे बरामद होने को लेकर सोमवार देर शाम हंगामा हो गया। अपहरण, बलात्कार और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए बजरंग दल एवं विहिप कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और उधर संदेह युवक की कबाड़ दुकान को किसी ने आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक मझगवां कस्बे में रहने वाली एक लड़की लापता हो गई थी, जो चार दिन बाद मझगवां में ही एक घर में नजरबंद दिखी। इसके बाद रात के समय माहौल गर्मा गया। परिजनों, स्थानीय लोगों और विहिप बजरंग दल के लोगों की भीड़ थाने पहुँच गयी। इस मामले को लव जिहाद करार देते हुए अपहरण, रेप और धर्म परिवर्तन की मांग की जाने लगी। इसी बीच संदेह युवक इरशाद खान की कबाड़ दुकान में आग भड़क उठी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। खबर मिलते ही एडिशनल एसपी विक्रम सिंह कुशवाहा, एसटीओपी भी मझगवां पहुंच गए और अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी बुला ली गयी। देर रात तक चले हंगामे के बीच पुलिस ने इरशाद खान समेत दो युवकों को हिरासत में ले लिया। स्कूल से प्रार्थना के बाद लापता हो गयी थी नाबालिग। बताया जाता है कि मझगवां कस्बे में रहने वाली एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की 23 नवंबर को स्कूल में प्रार्थना में शामिल होने के बाद लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो पता चला कि एक युवक उसे बाइक पर बैठा कर साथ ले गया। वह युवक मझगवां में कबाड़ का काम करने वाले बम्बई कबाड़ी का मुलाजिम और उसके बेटे इरशाद खान का करीबी था। परिजनों ने थाना में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस के सामने इरशाद पर संदेह व्यक्त किया, लेकिन पुलिस टालमटोल करती रही। पुलिस उन्हें बताती रही कि उसने इरशाद और धर्मेंद्र बेलदार को बुलाकर जांच पड़ताल की है, लेकिन इसका घटना से उनका कोई कनेक्शन नहीं मिला है। लड़की भी संबद्ध पुणे चली गई है। परेशान माता पिता एसपी ऑफिस भी पहुंचे, लेकिन एसपी से मुलाकात नहीं हो सकी। मझगवां के ही संदेह युवक के घर से मिली। मामला संज्ञान में आने पर बसपा नेता सुभाष शर्मा डोली ने एडिशनल एसपी और एसपी से इस मसले पर बात की। विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी एक्टिव हुए, जिसके बाद सोमवार को लापता नाबालिग मझगवां के ही गोडान टोला के एक मकान में मिल गई। उसे यहां इरशाद ने एक बेवा के पास नजरबंद सा रख रखा था। इसके बाद ही मझगवां में हंगामा शुरू हो गया। वही बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और इरशाद खान, उसके पिता इम्तियाज खान, धर्मेंद्र बेलदार और लड़की को छिपाने में मददगार बनी बेवा के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, धर्म परिवर्तन का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। हालांकि पुलिस ने इरशाद खान और धर्मेंद्र बेलदार को हिरासत में ले लिया है। बेवा को भी थाने में बैठा लिया है। धर्म परिवर्तन कराने का आरोप बजरंग दल के प्रांत गौरक्षा प्रमुख सचिन शुक्ला ने आरोप लगाया कि इरशाद ने अपने पिता, भाई, कर्मचारी और बेवा के साथ मिलकर लड़की को अगवा कर उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसके साथ दुष्कर्म किया है। लड़की की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वह कलमा पढ़ती दिख रही थी। उसका नाम भी बदलकर अल्फिया खान रख दिया गया था। इरशाद पिछले चार महीने से लड़की को परेशान कर रहा था। उसे कुछ दिनों पहले ऐसा करते पकड़ा भी गया था, तब भी उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उसने हरकतें बंद नहीं की। इधर थाने में भीड़, इधर दुकान में लगी आग। मझगवां थाने में चार दिन बाद मझगवां में ही मिल गई लड़की के अपहरण, बलात्कार और धर्म परिवर्तन के मामले में मुकदमा दर्ज करने को लेकर हंगामा चल रहा था और उधर अचानक बम्बैया कबाड़ी की कबाड़ दुकान में आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान में रखे कबाड़ को खाक कर दिया। हालांकि आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए, लेकिन जब तक ऐसा हो पाता लाखों का कबाड़ जलकर नष्ट हो चुका था। क्षेत्र में चल रही चर्चाओं में इस आगजनी को मामले के डायवर्जन की कोशिश बताया जा रहा है, तो कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में एडिशनल एसपी विक्रम सिंह कुशवाहा का कहना है कि दो युवकों को हिरासत में ले लिया गया है, लड़की का मेडिकल कराया गया है। दुकान के आग लगने के मामले में भी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों ही मामलों में जांच की जा रही है। सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।